Sebab avevi la libertà di una Alleluia. Alleluia. Prese capo, धन्यवाद. एक पद को पढ़ेगा जबूर उसका 19 जबूर 19 और पहला ही पद पढ़ोगे. आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं अते अंबर उसकी दस्तकारी दिखाता है. आकाश परमेश्वर की महिमा दिखाता है. हालेलुया. फिर दूसरा पद क्या लिखा है? अते अंबर उसकी दस्तकारी दिखाता है. दूसरा पद दिन दिन नाल बोली बोलता है. दिन दिन के साथ बातें करता है. अते रात रात नु ज्ञान दसती है. और रात रात को ज्ञान बोलती है. कभी देखा है ऐसा? रात को बात करते हुए, फिर दिन को बात करते हुए, आसमान को बात करते, कभी देखा? बाइबल में ऐसा लिखा है कि रात रात के साथ बात करते है, रात रात को ज्ञान देती है और दिन दिन के साथ बातें करते. लेकिन हमने कभी ऐसा देखा नहीं. आकाश जो है परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है. फिर तीसरा पद क्या लिखा? ना कोई बोली है ना शब्द है. ना उनके पास ना कोई बोली है, ना उनके पास कोई शब्द है. फिर ना उन्हें भी आवाज सुनी दी है. हाँ, उनकी आवाज सुनाई भी नहीं देती और फिर भी बातें करते. हालेलुया. देखो, दिन दिन के साथ बात करता है, रात रात को ज्ञान सिखाती है. आकाश अंबर वो परमेश्वर का महिमा प्रकट करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है उसका आवाज उसका शब्द नहीं सुनाई देता. फिर चौथे पद में क्या लिखा है? सारी धरती विच उन्हां दी तार पहुंचती है. हाँ, अते संसार दी हद्दां तक उन्हां दे बोल. हाँ, वो संसार के हद तक उनके शब्द पहुंचते हैं. इसका वह शब्द है. तीसरे वचन में लिखा है नहीं है. एक और दो में बोलता है, बात करते है, ज्ञान देते है. अभी हम क्या समझे इसको कि आकाश, ये दिन, ये रात, क्या उनके पास कोई शब्द है कि नहीं है? क्या एक दूसरे से बात करते हैं, ज्ञान देते हैं कि नहीं देते? तीसरा पद बोलते हैं कि नहीं, उनका कोई शब्द नहीं है, हमें सुनाई नहीं देता, है ही नहीं. और चौथे पद में लिखते है, लिखा है कि संसार के हद तक उसका आवाज पहुंचता है. हालेलुया. हालेलुया. ये सारे परमेश्वर के शब्द से बने हुए है. चाहे आसमान हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, दिन दिन के साथ बात करता है, रात रात को ज्ञान देती है. आसमान अंबर परमेश्वर का महिमा प्रकट करते. ये लोग किस तरह से करते? परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आवाज नहीं सुनाई देती. परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आवाज संसार की हद तक जाती है. परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जो जिसको परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से बनाया, ना उनके पास मुंह है, ना उनके पास कोई जबान है, ना उनके कोई शब्द है, लेकिन फिर भी आसमान जो है वो परमेश्वर की महिमा प्रकट करते. कैसे? जब हम रात को बाहर निकलते आसमान के ऊपर देखते हैं तो हमें सितारे दिखाई देते. कभी रात में सितारे को देखना और एक घंटे बाद फिर देखना, अपनी जगह से कुछ हिले हुए दिखेंगे. तीन चार घंटे के बाद देखना तो पूरा पता चलेगा कि जो सितारा पहले मेरे सर के ऊपर था वो नहीं, वो तो कहीं आगे निकल गया. इसका मतलब वो लोग चलते रहते हैं, उनके अंदर दौड़ है, वो भागते रहते हैं. और तब हमें पता चलता है कि ये सितारे जो है वो धरती और आसमान के बीच में लगे हुए और जहां पर है वहां पर स्थिर है. स्थिर मतलब कि वहां से गिरते नहीं है. और परमेश्वर ने जो उनको स्पीड दिए उस स्पीड से वो इधर उधर जाते रहते. उसी आसमान में एक चांद है, उसी आसमान में एक सूरज है. सूरज भी हर रोज निकलता है, पूरब से ही निकलता है, कभी उससे गलती नहीं कि उत्तर से निकला है. हालेलुया. कभी ऐसा नहीं होगा पूरब से निकला और पश्चिम के बजाय पर दक्षिण चला गया. उसको अपना रास्ता मालूम है. जब से सूरज बना तब से आज तक उसकी रोशनी जो है कम नहीं हुई, उसकी आग बुझने गई. और वो लगातार जिस तरह से परमेश्वर उसको बनाया, जिस काम से बनाया, वो काम करता रहता है, करता रहता है. हालेलुया. इस तरह से वो अपनी महिमा, परमेश्वर की महिमा हमारे अगर प्रकट करता है, देखो मुझे परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने जो काम दिया मैं आज तक लगातार करता रहता हूं. और वो अपने अंदर जो प्रकाश है जो परमेश्वर ने दिया वो हमारे तक पहुंचाते. इस तरह से आसमान परमेश्वर का महिमा प्रकट करता है.
दिन दिन के साथ बात करता है। मतलब हर रोज हर दिन कुछ न कुछ इस धरती पर ऐसा होता है जिससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर की बात एक, ये परमेश्वर की ओर से रात रात को ज्ञान देती है। मतलब परमेश्वर दिन में भी काम करते हैं और रात में भी काम करते हैं। इनके पास जुबान नहीं है लेकिन फिर भी ये अपने काम से परमेश्वर की महिमा प्रकट करते। हालेलुया। उनके शब्द नहीं सुनाई देते लेकिन अपने काम से परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। परमेश्वर की महिमा प्रकट करना मतलब कि परमेश्वर की गवाही देना। हालेलुया। हमारे पास तो जुबान है, परमेश्वर हमें शब्द से नहीं बनाया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे कामों से भी और हमारे जबान से भी हमें परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी है। हालेलुया। तो गवाही देते रहो। हालेलुया। Thank you.